स्टूडेंट्स फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है, वसीम इन्वेस्टेड रुपीज 60,000। देखिए बेटा, वसीम है ये किसी बैंक में रुपीज 60,000 इन्वेस्ट करता है, दैट इज जो प्रिंसिपल है हम लिखेंगे हियर, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एन, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12% पर एन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंड की जाती है हाफ ईयरली। ओके, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ही गेट आफ्टर नंबर वन 6 months। तो पहले केस में टाइम जो है 6 months है, और फिर दूसरे केस में जो टाइम है 1 year। तो दो पार्ट से इस क्वेश्चन की, पहले हमें देखना है 6 months में इसको कितना अमाउंट मिलेगा और 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो बेटा देखिए, जो टाइम है 6 months, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, 6 months हो गए 6/12 years, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। सो 6 × 6 = 12, That is 1/2 year। तो हमें बताने कि 1/2 year में इसको कितना अमाउंट मिलेगा और 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। सिंस द इंटरेस्ट इज, यह हम यहां से पहले 6 months वाले करें, सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो फिर आपको मालूम है जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट की जाती है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं। सो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + rate/200 raised to power 2t, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो इट इज पी। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 60,000, ये इन्वेस्ट करता है, सो इट इज 60,000 इंटू 1 + rate, रेट है 12% पर एनम, सो इट इज 12/200 raised to power 2 इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/2 year, सो इट इज 2 × 1/2। तो हम यहां से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4, 3 और 12, 4, 5 are 20 and 0, तो ये बनेगा 60,000 इंटू 51 or 50 + 3, सो इट इज 50 + 3 / 50 raised to power, यहां से 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, वहां रहेगा पावर का, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। सो इट इज कॉल्ड 60,000 इंटू 50 + 3 = 53 / 50। तो बेटा यहां से 50 का एक जीरो और 60,000 का एक जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 = 12 = 60, और फिर 2 ही 0 रहेंगे, हेंस अमाउंट इज इक्वल टू 1200 × 53। 1200 को 53 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 1200 के हम 2 जीरोज लिख देंगे, देन 12 × 3 = 36 कैरी आ गई 3, 12 × 5 = 60 और 3 होगी 63। तो फिर हाफ ईयर के बाद 6 महीनों के बाद जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 63,600 rupees। ओके, सो आफ्टर 6 months ये जो वसीम है ही विल गेट एन अमाउंट ऑफ 63,600 rupees। और दूसरे केस में हमें देखना है कि टाइम अगर 1 साल होगा, देखिए भाई आगे आपको खुद ही करना दूसरा पार्ट, अब आपको टाइम रखना है 1 year, तो यहां तक तो सेम बनेगा, ये सिर्फ यहां पर आपको 1/2 नहीं लिखना है, 1 लिखना है वहां पर, बाकी यही होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पावर 1 आएगा, ये आप इस तरह देखेंगे क्या होगा इसमें दूसरे केस में। तो प्रिंसिपल यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही, लेकिन सिर्फ टाइम इस वक्त है, टाइम 1 year। तो सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, प्रिंसिपल
अमाउंट इज कॉल्ड पी इंटू वन प्लस रेट बाई 200 रेज पावर 2t, तो यहां पर आएगा 2 इंटू टाइम, इस वक्त 1 है, हो गया 2 इंटू 1, बाकी ये ऐसा ही रहेगा। तो यहां बनेगा 2 1 2, ठीक है जी। फिर यहां पर आपको 53 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 50 को भी दो बार मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल आसान है, ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिफ टू के लोन ऑफ रुपीज 80,000। देखिए इसी तरह आसिफ ये 80,000 रुपए का लोन लेता है, कर्जा लेता है एक बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली कंपाउंडेड 1/2 ईयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आसिफ एक लोन लेता है एक बैंक से, कर्ज लेता है, तो प्रिंसिपल है इसका, जो प्रिंसिपल है दैट इज रुपीज 80,000, ठीक है, और ये कर्ज लेता है एट द रेट ऑफ 10% पर, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एंड टाइम इज 1 होल इज 1/2 ईयर्स, 1 होल इज 1/2 ईयर्स, या अगर मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लू 2 1 2 2 + 1 = 3/2 ईयर। तो इसमें दो केसेस है, पहले देखना कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होगी एनुअली तब ये कितना अमाउंट पे करेगा, और फिर अगर इंटरेस्ट कंपाउंड करेंगे हाफ ईयरली तब अमाउंट कितना ये पे करेगा, फिर उन दो अमाउंट्स को डिफरेंस निकालनी। तो हमारे पास दो केसेस, केस फर्स्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड If the interest is compound annually, अगर interest साल में एक ही बार compound होगी, then फिर जो formula है वो आपको मालूम है, then amount किसके बराबर होता है, principal into 1 plus rate by 100 raised to power टाइम, और which is equal, अब देखिए principal जो हमारे पास है that is 80,000 into 1 plus rate, देखिए बेटा रेट क्या है, रेट इज 10%, so it is 10 / 100 raise power time, लेकिन इस वक्त इशू यह है कि हम पावर टाइम क्या लेंगे, क्या पावर हम लेंगे टाइम के बदले 3/2 लेंगे, नहीं नहीं ले सकते, या 1 1/2 वो भी नहीं लेंगे, हम पहले टाइम ये 1 ईयर लेंगे, लेट्स टेक टाइम दिस ओनली 1 ईयर, ये जो 1/2 है इसको आप छोड़ दीजिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा टाइम, टाइम इज 1 ईयर और 1/2 इसको हम अलग से कैलकुलेट कर देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 80,000 इंटू यहां से 0 और 100 का 0 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 10 1 और 10 10 + 1 = 11 11/10, ठीक है। तो बेटा ये 10 का 0 और 80,000 का एक 0 कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 0 = 0 11 0 = 0 11 0 = 0 11 8 = 88, तो ये बनेगा 88,000, ठीक है ना। तो ये बन गया, ये जो 88,000 है इट इज अमाउंट फॉर, सॉरी इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फॉर, इट इज प्रिंसिपल फॉर, अब ये जो 1/2 ईयर है ये इस 1/2 ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा फॉर 1/2 ईयर, सो 88,000 इज द प्रिंसिपल फॉर 1.5 ईयर, सो देयरफॉर लेट अस फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर, देयरफॉर SI इज इक्वल, अब बेटा देखेंगे इस 1/2 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल फॉर्मूला का, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज नाउ 88,000, हाफ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 88,000 इंटू रेट, रेट इज वही 10% है, इंटू टाइम, टाइम इज 1/2 ईयर, और फिर फॉर्मूला का लिखेंगे 100। देखिए भाई आप यहां से ये दो जीरोस और यहां से दो जीरोस कैंसिल कर दीजिए, 2 1 और 2 2 5 = 10, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा फॉर हाफ ईयर दैट विल बी
80, बल्कि ये बनेगा 880, 880 इंटू 5 विच इज कॉल्ड 50 5 8s are 40 कैरी आ गए 4 5 8s are 40 और 4 हो गए 44। तो बेटा जो हाफ ईयर है उसके लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 4400 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर नेट अमाउंट जो बनेगा, नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट बनेगा, एक तो ये बनेंगे ये 88,000 और प्लस ये 4400 इनको आप ऐड कर दीजिए। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 0 + 0 = 0 दो जीरो आएंगे, फिर 4 + 0 = 4 4 + 8 = 12 कैरी आ गए 1 8 + 1 = 9। तो जो इस केस में अमाउंट बनेगा वो बनेगा 92,400। सो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तब जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 92,400 रुपीज। ओके, आप इसको नोट करके रखिए, पहला अमाउंट है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम रखूंगा अमाउंट वन, ए वन। ठीक है, अब लेंगे हम केस सेकंड, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, जो दूसरा हमारा आफ्टर वन ईयर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, दूसरा हमारा केस है आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर। अब अगर इंटरेस्ट कंपाउंड की जाएगी साल में एक ही बार, तो अमाउंट के लिए फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट / 100 / टाइम। तो यहां पर देंगे हम प्रिंसिपल का वैल्यू 80,000 इंटू 1 + रेट, रेट इज 10% / 100 / टाइम। इस वक्त टाइम क्या बनेगा, टाइम बनेगा वन ईयर ऑनली। ठीक है, तो बिल्कुल ये सेम बनेगा ऐसा ही यहां तक। तो दूसरे केस में जो अमाउंट बनेगा, दूसरे केस में अमाउंट कितना बनता, जो अमाउंट है दूसरे केस में ये बनेगा 88,000 ही। देखिए दूसरे केस में, सॉरी हमें डिफरेंस निकालना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी दूसरे केस में इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड नॉट आफ्टर वन ईयर, इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए अब दूसरे केस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमें बताने की अमाउंट कितना बनेगा यहां पर। सो देयरफॉर अब जब इंटरेस्ट कंपाउंड की जाती है हाफ ईयरली, तब अमाउंट किसके बराबर होता है, पी इंटू 1 + रेट / 100 बल्कि रेट / 200 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट इज कॉल्ड पी इंटू 1 + रेट / 200 / 2t विच इज कॉल्ड। अब देखिए प्रिंसिपल तो वही है ना, 80,000 प्रिंसिपल जो हमारा है दैट इज रुपीज 80,000 इंटू 1 + रेट, रेट इज गिवन टू बी 10%, 10 / 200 / 2 इंटू टाइम। देखिए टाइम में इस वक्त लूंगा 3/2, 2 × 3/2 क्योंकि अब 2 और 2 कैंसिल होगा। सो इट इज इक्वल टू 80,000 इंटू, अब यहां 10 का एक जीरो और 200 का एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये बनेगा 20 × 1 = 20, 20 + 1 = 21, 21/20 / 3 विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू, अब 21 क्यूब करेंगे पहले, 21 × 21 × 21 वो कितना बनेगा, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 4 1 2 + 2 = 4 एंड 4। अब 441 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 = 1, 4 × 4 = 1, 4 × 4 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 ऐड कर दीजिए 1, 4 + 2 = 6, 4 + 8 = 12 कैरी आ गई 1, 8 + 1 = 9, तो ये बनेगा 9261। डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 क्यूब हो गए, 20 × 20 × 20 हर 20 में एक जीरो है, 3 में 3 जीरो आएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8,000।
देखिए भाई ये 3-0 यहाँ 3-0 से कैंसिल कर दीजिए, 8-1-8, 8-10-18. सो इस केस में जो अमाउंट बनेगा, देयर फॉर अमाउंट इज इक्वल टू 10 × 9261 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 9261. इस केस में जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 92610. ये दूसरा केस जो अमाउंट है, दूसरे केस में अमाउंट बना 92610, पहले केस में बना 92400. अब हमें इन अमाउंट्स की डिफरेंस निकालनी, सो देयरफॉर डिफरेंस इन अमाउंट्स अब आप आगे खुद करेंगे, बस माइनस करना है आपको ये 92610 में से 92400 आपको माइनस करना है, दैट विल गिव द डिफरेंस इन अमाउंट्स, ये आप खुद कर देंगे. ठीक है, शाबाश. तो आज के वीडियो में यही दो क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है, ये हम आगे करेंगे. तो आप मेहनत करते रहे, बस सब.